शांति। आज की तारीख है 26/1/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हम बच्चे शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिली हुई जो श्रीमत है हम उस श्रीमत पर चलते हैं और उस श्रीमत से हमें उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। दूसरा इसमें है कि इस रूहानी सेवा में लग जाओ, तुम्हें और कोई की भी याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप मुए मर गई दुनिया तब उच्च पद मिल सकता है। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है माया पहलवान बनकर सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। हाँ, बाबा हिम्मत दिला रहे हैं कि माया कैसे हमारे सामने पहलवान बन के आएगी, पर हमें निर्भय रहना है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। नंबर दो है बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। कौन सा पोता मेल? स्थिति का, अवस्था का सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। प्रष्टि होकर रहना है। वरदान है आज का अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिष अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, तो बाप दादा कहते हैं ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया के द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विथ ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और वो केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि याद में रहेंगे तो हम शांति में रहेंगे। तो साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। तो बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। हाँ, किससे? माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन है पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अभी हम सुनेंगे ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करने के लिए
हम बाप समान क्या धारणा करें, तो स्वयं को ज्ञान और योग की लाइट और माइट से संपन्न बना लो। ज्ञान को हम इस कहते हैं प्रकाश और योग है हमारी माइट। तो ज्ञान और योग की लाइट और माइट से स्वयं को संपन्न बना लो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेंगे। अब योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहयोगी बन उड़ती कला में उड़ते ब्रह्मा बाप समान संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करो। ओम शांति।